वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली GK एंड करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 63वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र मंत्रिमंडल ने किस राज्य की 1757 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 68,751 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में शुरू किए गए किस मिशन के अंतर्गत भारत का टीकाकरण कवरेज लगभग 87% तक बढ़ गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN ने हाल ही में भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, फीड अवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में ई पोर्टल, डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति और CCRT यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, विश्व विकास सूचना और विश्व पोलियो दिवस, ये 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी,
ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, वायुमंडल अपवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, आवश्यक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, पेडोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा पृथ्वी वन है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, वित्त विधेयक द्वारा। ये थी आज की क्विज। आपकी इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।